हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर सर, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। माननीय मुख्य अतिथिगण एवं सम्माननीय एवं मेरे प्यारे बच्चों को सबसे पहले मैं गणतंत्र दिवस की शुभकामना देना चाहता हूं। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। सो मेरा नाम देवर्षी साहू है, मैं कल्याण वेस्ट में रहता हूं और मैं यहां पर करियर ज्योति एजुकेशन में जॉब करता हूं। मेरा जॉब प्रोफाइल है ब्रांच मैनेजर पोस्ट। सो मैं यहां पर लेक्चरशिप के पोस्ट पर हूं। तो सबसे पहले मैं अपने बच्चों को यहाँ पर बेसिक MSCIT कोर्स, ये सारी चीज़ यहाँ पर मैं सिखाया जाता हूँ और टैली कोर्स भी पढ़ाता हूँ और साथ में मैं बच्चों का MSCIT एग्ज़ाम लेता हूँ, साथ में अपना स्कॉलरशिप एग्ज़ाम वो भी मैं लेता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बता, और मैं आपको 26 जनवरी के दिन मैं आपको एक स्पीच देना चाहता हूँ कि आज जो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था, तो और 26 जनवरी को ही हमारा देश, हमारा राष्ट्रीय अवकाश की घोषित किया गया था। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है हमारे देश में, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आज लेकिन तब हमारे इस देश में संविधान नहीं बना था, तो आज़ादी के 3 साल बाद ही संविधान का लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को ही हमारे देश में देश का संविधान लागू हो गया था और संविधान के बिना कोई भी देश नहीं चल सकता। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 75वां हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो ये गणतंत्र दिवस 75वां है। और इसी संविधान के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जो देश में संविधान बनाए गए थे, तो इसी को ही हम लोग गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। एजुकेशन है जहाँ पर जो जितने भी बच्चे आते हैं उनसे मेरी एक दरख्वास्त है कि हमारे बच्चे सबसे अच्छा एक कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेकर अच्छी शिक्षा ले, अच्छा एक बेटर अपना फ्यूचर बनाए, अपना एक एजुकेशन जो है प्राप्त करें और इसी आधार पर ही एक अच्छा एक बेटर कंपनी में जॉब भी कर सकते हैं, अगर वो अपने करियर और अपने हर फ्यूचर पे ध्यान दे। तो मेरी उनसे एक निवेदन है, तो इस करियर ज्योति एजुकेशन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का वो नियम पालन करें और अच्छे से अच्छा अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश करें। ये फालतू इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर या ध्यान में मत दे, बेटर अपने फोकस अपने फ्यूचर पर करें, मेरे इनसे ये निवेदन है। सभी को मेरा सादर नमस्कार। मिस्टर सचिंद्र मौर्य जी, आपको भी मेरा सादर नमस्कार है और मेरे प्यारे बच्चों को भी सादर नमस्कार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और क्लासमेट्स और सर, आप सबको 75th रिपब्लिक डे पे हैप्पी रिपब्लिक डे। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ कि आज का दिन क्यों मनाया जाता है। पहले तो हम जानेंगे हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। पहले मैं अपनी एक शायरी से शुरू करना चाहूँगा। नशा है मुझे इस तिरंगे की आन में, बसा है मेरा दिल इस धरती की जान में, शक हो कोई मन में तो देख लेना, कल भी थे कल भी रहेंगे इसी हिंदुस्तान में। Why 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे, क्योंकि इस दिन को 1950 में 26 जनवरी को हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, जिसे डॉक्टर ये 1950 में 26 नवंबर को बन चुका था और इसको लागू में इफेक्ट में 26 जनवरी 1950 में लाया था, जो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू एक्ट 1935 को हटाकर यहाँ पे हमारे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री बनी थी 1950 26 जनवरी को। What is in Constitution of India Republic is government in term of the Constitution of India, which was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949 and come into force on 26 January 1950. The Constitution provides for a parliamentary form of government, which is federal structure with certain unitary features. इतने बस हमारे देश के लिए जो
ब्रॉडकास्टिंग कमेटी के एक्ट इस कंसीडर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द चेयरमैन ऑफ इस ब्रॉडकास्टिंग कमेटी इस कंसीडर द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड डायनेमिक फ्रेमवर्क टू गाइड एंड गवर्न द कंट्री कीपिंग इन व्यू हर यूनिक सोशल कल्चर एंड रिलीजियस ड्राइवर इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था जिनके पास 32 डिग्रियाँ थी वो उनके द्वारा संविधान लिखा गया है जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। तो मैं अपनी एक शायरी से इसे खत्म करना चाहूँगा। भूमि से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है बलपुरुषि की तमन्ना अब हमारे दिल में। थैंक यू गाइस और रिपब्लिक हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल एंड थैंक यू सो मच टू माय सर एंड माय क्लासमेट। थैंक यू celebrate our Republic Day in my class, MSAT, where the teachers are giving us nice lectures and classes. Today, we are here to celebrate our Republic Day. Why we celebrate our Republic Day? Republic Day is a national holiday commemorating with the effective of the First Republic of India. On January 26, 1915, it makes a transitional form of constitution, monetary, civil services, and republic. So, 26 January 1950 में हमारा रिपब्लिक डे का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है अपने देश के आधार से। एक शायरी है आपने भारत का संविधान देते हैं हर नागरिक को ऊंचा सम्मान। भारत का संविधान ही है हर भारतीयों की पहली पहचान। तो भारत के ऊपर हम लोग ने एक शायरी भी दिया है। थैंक यू सर। So, happy Republic Day to all.